आवाज आ रही है क्या एक बार चेक करो चेक करो क्लास स्टार्ट हो गई चेक करो बेटा आवाज आ रही है चेक करिए आवाज आ जा रही है क्या वॉइस लो है हाँ भाई वॉइस लो है वॉइस लो है ये और नो नहीं ठीक है मैं कुछ चीजें पूछूंगा मुझे क्लियरली बताएंगे क्या आपको इस चीज में कोई इश्यू है मुझे बता देना ठीक है स्टार्ट करें स्टार्ट करें जल्दी बताओ स्टार्ट करें यस सर नो ठीक है मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे दो तीन सवाल पूछूंगा हां बायोमोलिक्यूल की आपको डीपीपी मिली है बायोमोलिक्यूल yes no? की डीपीपी एस एन एस पी एन एस मिल गए सोल्यूशन सेल का सेल साइकिल का बायोलॉजिकल के डीपीपी सोल्यूशन अभी आपका पेंडिंग है प्लांट किंगडम का यस yes no? yes, और नो यस सर और मॉर्फो की अभी मैंने डीपीपी जानबूझ के नहीं दी है क्योंकि मॉर्फो की डीपीपी मुझे खुद बनानी पड़ेगी कहीं पर भी उस तरह की चीजें है नहीं जैसे क्वेश्चंस मैं कराता हूं ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है तो या तो मैं आपको जो वो डीपीपी दे दू जहां पे थोड़े से इरेलीवेंट क्वेश्चन हो या तो थोड़ा सा वेट कर लो बाकी डोपा मैं आपको साथ के साथ दे रहा हूं मोर्फो का उससे काम चल जा रहा है आपका कोई दिक्कत नहीं है पहला पॉइंट तो ये हो गया तो इसका मतलब आपकी मेन पेंडेंसी जो है प्लांट किंगडम की डीपीपी की है और उसका एसएनएस पीएनएस में अपने क्वेश्चन दूंगा अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन के लिए खुश हैं तो ठीक है पर SNS, PNS, जो प्लांट किंगडम का है, मैं खुद टाइप करके नए क्वेश्चन बना रहा हूं अगर आप उस पर एग्री हो ठीक है नहीं तो मैं कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन आपको दिलवा देता हूं यहां एग्री है कि आप एस एन एस पी एन एस के लिए एक दो दिन वेट करें अच्छे क्वेश्चन करने के लिए ठीक है और मोर्फो की भी डीपीपी एक दो दिन में आ जाएगी इससे लेट नहीं होगा ठीक है बायोलॉजिकल का मैंने डीपीपी सोल्यूशन दे दिया पहला पॉइंट उन बच्चों के लिए जो चैट में स्पैम करते हैं गलत तरीके से उनके लिए बता रहा हूं तो बहुत बड़ी कोई ऐसी पेंडेंसी नहीं है साथ के साथ डोपा कर रहे हैं अब मेरा सवाल का तुम आंसर करोगे कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था संडे का जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था और आपके ऐप आप में सेल सेल साइकिल बायोमोलिक्यूल क्यों नहीं दिया था मैं ईमानदारी से आपको एक चीज बताता हूं अगर मैं आपके लिए टेस्ट पेपर बना रहा हूं तो मेरे भी चार घंटे लगते होंगे नए क्वेश्चन बनाने में उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने फर्स्ट टाइम देखे होंगे आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया नहीं मिल रहा का क्या मतलब है बेटा छोटा बच्चा है क्या नहीं मिल रहा का क्या मतलब है बाकी सबको मिलता है तुझे नहीं मिलता है ये तो वही तरीका हो गया कि सर आप हमारे घर आके दिया करो पेपर मैं तुझे एक एग्जाम्पल बताता हूं तू मान ले नीट का पेपर देने निकला है रिक्शे वाला जो है वो आराम से रिक्शा चला रहा है वो बहुत धीरे चला रहा है और उसको कोई मतलब नहीं है तू पेपर के लिए लेट हो रहा है तो तेरे कहने से तेज थोड़ी चलाएगा वो तेरा पेपर ना ना तेरी जिम्मेदारी है प्रॉब्लम कहां पर है मैं आपको क्लियर बताता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे जो कोई भी ना डीपीपी करते हैं ना डीपीपी सोल्यूशन से उन्हें मतलब है वो स्पैम ये करते हैं कि सर ये नहीं मिला वो नहीं मिला आपने बैच लॉन्च कर दिए मैंने आपको बताया तो उसमें क्लियर आपने देखा नहीं थ्री पॉइंट में कौन मै और एमडी सर कहा पढ़ा रहे हैं यार हम कहा इन्वॉल्व हो रहे हैं हम तो तुम्हारे लिए लगे हुए हैं ना अपने आप ही उसमें स्पैम कर रहे हैं और कुछ बच्चे उसको सपोर्ट कर रहे हैं ये कब बोला बेटा हमने कि थ्री पॉइंट में हम लोग पढ़ा रहे हैं बोला ही नहीं हमने उनको वन पॉइंट मिल रहा है और कुछ चैप्टर जैसे होगा जेनेटिक्स वगैरह हो वो देखेंगे जब समय मिलेगा तब तक ट्वेल्थ का बैच खत्म हो जाएगा तब तो अगर आप इस तरीके से करेंगे जिसमें आप टीचर को सीधे ही कुछ ना कुछ बोले जाओगे तो नहीं चलेगा ना जो को करने का समय तो दो जैसे मान लो आपके संडे संडे टेस्ट नहीं था तो क्या हमने आपको टेस्ट मतलब बना के नहीं दिया मैंने आपको वो पूरा दिन मैंने क्लास लेने के बाद टेस्ट पेपर बनाया उसके बाद डीपीपी सोल्यूशन रिकॉर्ड किया फिर तुम ऐसे लगे हुए हो सभी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे किसकी आंसर की तो आंसर की रॉन्ग है तो तू तो सही भाई आंसर की रॉन्ग होने से तेरा क्वेश्चन थोड़ी गलत हो जाएगा तो चेक कर ले खुद से एनसीआरटी से जो तेरे को ठीक है उसके हिसाब से मार्क्स कर ले। और फिर बेटा एक चीज मुझे बताना जरा कि अब मान लो हम कोई नया टीचर लाएंगे भी तो कहां से आसमान से गिरेगा वो वो कहां से गिरेगा आसमान से गिर जाएगा वो कहीं किसी प्लेटफॉर्म से लाना ही पड़ेगा ना तो उसमें गलत कैसे हो गया फिर कुछ भी लिखते जाते हैं यार कुछ लोग हमें ठीक नहीं लग रहा है वो चीजें और फिर हम लोगों के लिए एक ही कंसर्न होता है वो ठीक से पढ़ाएगा आप लोग मैं फिर बोल रहा हूं जो फर्जी चीजें कर रहे हैं प्लीज मत करो आपके लिए प्लान कर रहे बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें रिवाइज करानी है मैं आपको कुछ ऐसा प्लान करने वाला हूं कि हर वीक में टारगेट देके वर्कशीट देना स्टार्ट करो तो रिवीजन कैसे करेगा आप समझो इस चीज को जो भी हमारे साथ कोशिश करेगा कि जुड़ के पढ़ाना चाहता है हमने उसको इनवाइट किया हमेशा से पर वहां पर दो चीजें होनी चाहिए एनसीआरटी बेस पढ़ाना बोर्ड टीचिंग करनी है तो ठीक है कोई भी आ जाए प्लीज आप वेट करो आपको सारी चीजें दी जा रही हैं आप में से आप मुझे बताओ कभी ऐसा हुआ था कि कि आ, मतलब दूसरा बैच आसानी से हमने टू पॉइंट दिया थ्री पॉइंट देने का आपको कोई लॉजिक नहीं है ना क्योंकि आपको जो दे रखा है आप में इसे उसी को बैकलॉग करते रहोगे तो जो भी बैच आया था लेते रहो आपके पास oh है है तो तो अगर आपका बैकलॉग तो वहां से पढ़ लो और फिर हम कोशिश करेंगे मैं पर्सनली इस चीज को बोल रहा हूं, प्राइम वाले लेक्चर आपको दे रखे हैं तो बैकलॉग वहां से कर लो प्राइम में बायोमोलिक्यूल आएगा आएगा पर पहले मैं डीपीपी सोल्यूशन रिकॉर्ड करूंगा उसके बाद तो जो चीजें सही है वो उनको करो ना बेटा आपको मैंने वर्कशीट दी थी प्लांट किंगडम की आप इसकी पीएनएस एस एस मांग रहे हो उससे पहले इसकी एक वर्कशीट दी थी कितने बच्चे हैं जिन्होंने बनाई आपको बैच में बैच क्यों चाहिए अपने बैच को फॉलो करो ना ये बनानी है ना वर्कशीट एक वर्कशीट मेरे पास और है जो इन दोनों की मिक्स है वो भी ले लो मेरे से मॉर्फो की एक वर्कशीट है मेरे पास वर्कशीट दे दूं उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है होती है कि नहीं होती मुझे बताओ ठीक है ना तो मैं जो चीजें बोल रहा हूं बेटा सबको थोड़ा समय दो पीछे हेल्थ इश्यू था मेरे साथ और एमडी सर के साथ इसलिए डिले हो गया आपने शायद देखा नहीं उस चीज को क्या और संडे भी बेटा यूज करेंगे चिंता क्यों कर रहा दो अक्टूबर तेरी छुट्टी होगी मेरी नहीं होगी संडे भी पढ़ाएंगे क्लियर है और टारगेट दे रहे ना तुझे काम दे रहे है. तो प्लीज पढ़ाई करो है ना हा उन चीजों में मत जाओ कि ये हो गया वो हो गया बेटा पढ़ाई करना कंटेंट देख कितना बढ़िया मेहनत से पढ़ाने तुझे उसके साथ मुझे एक चीज बता मान ले तेरे को लिया की डीपीपी डोपा सॉल्व करना ये देख डोपा के अभी मैंने क्लास में देखा अभी मैं तेरे को दिखाता हूं ये देख ये मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले डोपा टू के क्वेश्चन लिख लिए तेरे लिए पहले से आज जाएगा ये ये क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन जाएंगे अब ऐसा नहीं है ना कि तुम्हारे लिए एफर्ट नहीं कर रहे ये तुम्हारे लिए समरी सीट बना के देनी है ये ये हो जाएगा शॉर्ट नोट्स भेज देंगे आज इसके और फिर तुम तुम्हें ये वाले क्वेश्चन ज्यादा चाहिए ये वाले क्वेश्चन ज्यादा चाहिए इससे बढ़िया प्रैक्टिस होगी तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो मैं किसी तरह का बेटा इस तरह का चीजें टॉलरेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं गलत चीज करता नहीं हूं ना मैं उसको टॉलरेट करूंगा ईमानदारी से मेहनत करो सेलेक्ट हो जाओगे फर्जी चीजों के चक्कर में मत पढ़ो कि यार ये सर थ्री पॉइंट ओ फोर पॉइंट ओ जो भी आता है सब दे दो में उनसे कुछ नहीं होगा जो तुम्हें बैच मिला है ईमानदारी से फॉलो करो उसको पढ़ो आपको टेस्ट सीरीज मैंने बोला है और टेस्ट सीरीज के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने खुद टाइप करके बनाए हैं ठीक है, है। इसीलिए भी अभी क्या था कि कुछ पार्ट मुझे उसका और टाइप करना था ठीक है तो इसलिए भी उसमें वो हुआ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में हम प्लान कर रहे हैं कि कहीं से कट पेस्ट ना हो आपको अच्छा पेपर मिले तो प्लीज पढ़ाई करो ठीक है न्यूट्रॉन हाँ. से तेरा सिलेक्शन हो जाएगा मैं बोल रहा हूं ईमानदारी से फॉलो कर टेस्ट सीरीज भी दे दियो हम और भी टेस्ट कराएंगे वर्कशीट देंगे जितनी पॉसिबल चीजें तुम्हें दे सकते होंगे दे देंगे एम आई पी बेटा मैं फिर बताता हूँ कम्युनिटी बनानी है हमने उस पर प्रॉपर तरीके की उसी में कराएंगे दूसरा कुछ बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर टेलीग्राम पे जो डाउट चल रहा है उसको शिफ्ट मत करो कम्युनिटी पे बताता हूँ क्यों कर रहे हैं रीजन क्या है कि टेलीग्राम पे हम कई बार ट्रैक नहीं कर पाते कि वो लोग कितने डाउट बता रहे हैं इसलिए हम चाह रहे हैं कम्युनिटी पे शिफ्ट करना कि उन टीचर्स को ट्रैक कर सके कि वो आपको अच्छे से डाउट बता रहे हैं कि नहीं बस ये रीजन है इसलिए हम चाहते हैं कि ऐप पर हो और ऐप पर धीरे धीरे चेंज लाकर टीचर वॉइस मैसेज के थ्रू बता पाएगा या वो कोई वीडियो बना के दे देगा या फोटो खींच के वो टीचर खुद कर पाएगा इसलिए हमने इसको ऐप पर शिफ्ट करने का सोचा था तो सारा कुछ एक दिन में नहीं होगा धीरे धीरे होगा क्लियर है हाँ, टेस्ट में बता बेटा आपको बायोमोलिक्यूल और बायोलॉजिकल आएगा बायोमोलिक और बायोलॉजिकल आएगा बॉटनी में और शायद न्यूरल एमडी सर ने उसमें रखा न्यूरलॉजी में करना स्टार्ट कर दो क्लियर है आप कोई डाउट है किसी को किसी तरीके का प्लीज पढ़ाई करो बेटा हम संजीवनी में भी इलेवेंथ का सिलेबस डाल रहे हैं और द्रोणा में ट्वेल्थ का सिलेबस डाल रहे हैं वो उन बच्चों के लिए कि कुछ बच्चे कोई भी बैच नहीं खरीदते तो हमने जब बोला था कि हम बैच में भी पढ़ाएंगे इसके अलावा कोई और बैच तो नहीं पढ़ा रहे ना फ्री बैच पढ़ा रहे हैं वो द्रोणा और संजीवनी ठीक है। और जो लगे हुए हैं उसमें कि बैच पे बैच एक बहुत खराब कमेंट थी मुझे ठीक नहीं लगा द्रोणा और संजीवनी फ्री बैच है उसमें पढ़ा रहे हैं इसके अलावा न्यूट्रॉन टू पॉइंट के अलावा और नहीं पढ़ा रहे कहीं भी देख ले जाके कि मैंने पढ़ाया हो कहीं और आ जा जल्दी से। ये वाला कर लिया था तूने तो भी पता पहले हाँ क्लियर है बायोमोलिक्यूल और बायोलॉजिकल आएगा इस बार आ जाएपी के लिए बेटा कर रहे हैं अगर शायद मेंटरशिप दे पाए आपको कुछ अच्छी इधर चल ध्यान से क्या करेगा कर लिया नहीं कर लिया लिख देता हूं मैं ये वाला कौन सा है कॉलीफ्लावर पता जल्दी से बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दे मैं टाइम नहीं पास कर रहा हूं यहाँ ब्रासी केसीआई ये ब्रासी के सीआई ये फेबेसी ये सोलनेसी ये, ये, है, ये है, और ये लिलिय तो मेरे पास रेसिमोस क्या है आपको पता होना चाहिए रेसिमोस क्या है ब्रासी केसीआई प्लस फेबे तो दो ये दो ये चार आ गया साइमोस क्या बता साइमोस क्या है साइमोज हमारे पास क्या पता जल्दी से पता साइमोज क्या है साइमोज है सोलेनेसी प्लस लिलियसी सोलेनेसी एक है लिलियसी तीन है चार आ गया जाइगोमोर्फिक फेबेसी कितना आ गया दो आ गया पेंटामेरस है फेबेसी प्लस सोलेनेसी तो फेबेसी कितना है दो और सोलेनेसी एक तीन आ गया ये दो है ये एक है एपीफाइलस क्या है लिलियसी लिलियसी कितना है तीन क्या है कितना दे रखा दो डाइडल्फ क्या है, है? दो अनइक्वल दो चेक कर लो अपना आंसर चार चार दो तीन तीन दो दो ठीक दो. है हाँ सही है गाइनोशियम पढ़ेंगे आगे प्लीज ध्यान देंगे ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेहनत करो मेरे साथ सारा समझ में आएगा और अप्रोच ठीक जा रही है अपनी ठीक है अब अप्रोच ठीक जा रही है इसको पढ़ने के बाद मोर्फो एनोटमी करा के आपको मूव कर जाएंगे हम लोग प्लांट फिजियो पे ठीक है हाँ डोपा को डिस्कस कर ले एक बार डिस्कस कर लेते हैं आंसर के आंसर्स डिस्कस करने बेटा मुझे ओहो इसमें बता देता हूं डायरेक्ट पीडीएफ है ये तुम्हारी इसमें बता देता हूं भाई, नॉट ट्रू अबाउट मस्टर्ड डी आंसर है पहले का पहले का आंसर डी है ठीक है चेक करते रहो पहले का आंसर डी है चेक करते रहो अनइक्वल स्टेम कहां होगा

पैटलेस कंडीशन किसमें मिलेगी सोलिनेसी में सी आएगा हो गया हो गया आंसर आइए का सी सिक्स देख लो मार्क द रोंगली कैसिया में होता है पे होगा सेकंड गलत है रेसिमोज बेटा अरड़ में ठीक है रेसिमोज होती है फेबे और ब्रासिगे ठीक है साइमोस का सेकंड गलत है का आएगा मुलेटी है, रोज भी होता है है, भी होता ये सही इंडिगोफेरा रेसिरी है, है। नहीं होता इमेट होता है सेवंथ का डी आएगा बेटा यहां पर एक नई चीज आपको याद हुई चाइना रोज भी एक्टिनोमॉर्फिक होता है क्वेश्चन नंबर एट है रोज कुकुम्बर पंपकिन चाइना रोज गुआवा मारीगोलिया बताना है तो एक कुकुम्बर है एक पम्पकिन है एक गुआवा है है ना और सनफ्लावर की जगह गोल्ड आ गया चार हो गए गोल्ड, पंपकिन कुकुम्बर और गुआवा चार आएगा आंसर इसका बी आएगा एट्थ का एट्थ का बी एट आएगा भाई फोर आंसर है सर मारी गोल्ड होगा सनफ्लावर का भाई होता है वो ठीक है कोई डाउट है किसी को नहीं यहां आ जाओ लेडी फिंगर कैसिया गुलमोहर बीन पी इंडिगोफेरा लेडी फिंगर लेडी फिंगर कैसिया गुलमोहर बीन पी बीन पी इंडिकोफेरा ठीक है तो अपने पास क्या है? इंब्रिकेट पूछा है तो कैसिया गुलमोहर दो आएगा यहां पे दो आएगा नाइन्थ का नाइन्थ का आएगा बी ट्विस्टेड एस्टिवेशन किसमें होगी हिबिस्कस चाइना रोज़ का नाम है सी आएगा हिबिस्कस किसका नाम है चाइना रोज़ का सर हमें पता होना चाहिए तो पता होना चाहिए आसान नाम है इसके अलावा लेडी फिंगर का साइंटिफिक नाम किसी को पता है एबल मोस्कस एस्कुलेंथस ठीक है सारे सही है किसी के कोई ऐसा है जिसके सारे ठीक है आगे मोर्फलोजी अब क्या रह गया मौज लो जाओ वेरी गुड ध्यान से करो यही है मॉर्फोलॉजी और नहीं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सिंपल सी चीजें एग्जांपल के थ्रू बनानी है बस हाँ, आ जाओ पढ़ो जरा ध्यान से गायनोशियम किसे कहते हैं दिस स्ट्रक्चर इज पिस्टिल इसको पिस्टिल या कार्पल कहते हैं कुछ बुक्स में अलग अलग बोला जाता है कार्पल पिस्टिल को लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक ही लेकर चलते हैं क्योंकि एनसीआरटी ने एक ही लेकर है तो ये अपने पास स्टिग्मा है ये अपने पास स्टाइल है और ये अपने पास ओवरी है ये पूरे स्ट्रक्चर को हम पिस्टल कह रहे हैं तो ये हो गया स्टिग्मा स्टिग्मा क्या होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म है कौन लैंड करता है भैया कौन लैंड करता है जल्दी बताओ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन कौन आता है पोलन आता है यह क्या है स्टाइल है हॉलो स्ट्रक्चर है किसके ऊपर होता है ओवरी के ऊपर और यह क्या है ओवरी है ओवरी जो है बेसल बेसल का मतलब होता है नीचे बेसल बल्ज बल्ज का मतलब है फूला हुआ बेसल बल्ज पार्ट है इनसाइड ओवरी हमारे पास प्लेसेंटा होता है ऐसे ये प्लेसेंटा है ये क्या है प्लेसेंटा तो ओवरी के अंदर क्या होता है प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा पे क्या लगते हैं बेटा इस तरीके से ओव्यूल लगते हैं ऐसा एक स्ट्रक्चर लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं ओव्यूल जिसको हम क्या बोलते हैं ओव्यूल बोलते हैं ये ओव्यूल है ये क्या ओव्यूल ये किस पे लगे हुए हैं प्लेसेंटा पे ये रेहो ठीक है समझ में आ रहा है अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो इन सबसे पहले समझो हमारे पास क्या होगा पिस्टिल और कार्पल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जरा ध्यान से देखेंगे अब क्या है वर्ल ऑफ कार्पल वर्ल वर्ल ऑफ कार्पल कार्पल का सर्कल या एक से ज्यादा कार्पल या सिंगल कार्पल भी हो चल जाएगा सब उसको अपने क्या बोलते हैं गायनोशियम क्या बोलेंगे गायनोशियम बोलते हैं सिंबल क्या है सिंबल बता बेटा सिंबल क्या रहेगा सिंबल रहेगा जी सिंबल क्या रहेगा जी अगर मैं जी के साथ यहां वन लिखता हूं इसका मतलब क्या है एक कारपल है और अगर इसके नीचे लाइन लगा देता हूं ऐसे तो कौन, कौन सी हो गई ओवरी ओवरी सुपीरियर हो गई यस और नो और अगर मैं जी के यहां दो लिख देता हूं ऐसे और नीचे लाइन लगा देता हूं तो मैं क्या बोलूंगा मैं क्या बोलूंगा दो कार्पल है और उसमें क्या है ओवरी सुपीरियर है ओवरी क्या है सुपीरियर है क्लियर है ओवरी क्या है सुपीरियर है फिर ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे बेटा ध्यान दे अच्छा अगर मैं दो कार्पल लिख के ऊपर लाइन लगा दूं तो मैं क्या लिखूंगा दो कार्पल है ओवरी क्या है इनफीरियर है मेरी बात समझ में आ रही है यस और नो यस और नो तो इसका मतलब यह हुआ बेटा मेरी बात सुने ध्यान से इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ कार्पल जो है ना वो वेरिएबल हो सकते हैं क्या हो सकते हैं वेरिएबल हो सकते हैं अगर हमारे पास सिंगल कार्पल होगा उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मोनोकार्पलरी मोनोकार्पलरी Mono का क्या मतलब है हमारे पास सिंगल कार्पल है किस पे थेमस पे सिंगल कार्पल किस पे है ऑन थेलेमस थैलेमस पे हमारे पास सिंगल कार्पल है ठीक है सिंगल कार्पल है ऐसे थैलेमस पे इधर देख बेटा ये मैंने थैलेमस बना दिया इस तरीके से इस पर मेरे पास सिंगल कार्पल है मुझे देख के बताना मुझे देखकर बताना जो मैं चीज बता रहा हूं आपको समझ में आई कि नहीं थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि चीजें क्लियर रहे आपको मुझे बताना ये थेलेमस है यस सर ये थैलेमस है यस सर सिंगल कार्पल ये, ये प्लेसेंटा है इसमें और इसमें आपको फर्क समझ में आ रहा है पहले मुझे बताओ फर्क समझ में आ रहा है दोनों में अरे दोनों में फर्क समझ में आ रहा है मोनोकार्पलरी का मतलब है सिंगल कार्पल पर यहां पर क्या है यहां पर क्या है सिंगल कार्पल है और सिंगल ओव्यूल है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा एक ही सीड होगा इसका एग्जाम्पल है मेरे पास मैंगो और कोकोनट मैंगो और कोकोनट मोनोकार्पलरी होता है सही है मैंगो और कोकोनट कैसा होता है सिंगल कार्पल सिंगल ओव्यूल होता है और यहां पर क्या है ये ओव्यूल है बेटा सिंगल कार्पल है पर मल्टी ओव्यूल है तो एक से ज्यादा सीड होंगे इसका एग्जाम्पल है मेरे पास इसका एग्जाम्पल ध्यान से सुनो बेटा इसका एग्जाम्पल है पी पी का मतलब फेबेसी मटर में एक से ज्यादा बीज होते हैं पर वो कार्पल एक ही होता है सिट्रस गुआवा मत लिखो जो लिखवा रहा हूं सिर्फ वो लिखो अपनी तरफ से मत बनाओ तो तुम्हें यहां पर यहां पर ये समझ में आ गया कि मोनोकार्पलरी का जो सिंबल है वो जी के सामने वन लगाएंगे क्लियर है और वो हमारे पास किस में होता है फेबेसिया में होगा और किस में होगा मैंगो में होगा और किस में होगा कोकोनट में होगा फर्क सिर्फ क्या होता है फर्क सिर्फ क्या होता है आपको ध्यान जो रखना है फर्क सिर्फ क्या होता है कि सिंगल ओव्यूल हो सकता है या बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल नहीं सोचना क्या तुम्हें दिमाग में यह बैठ गया है कि फेबे फैमिली मोनोकार्पलरी होती है यस और यस और कार्पल क्या होता है बेटा इसे ही कार्पल और पिस्टिल कहते हैं यह पूरा स्ट्रक्चर इधर देख बेटा ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये इस पूरे स्ट्रक्चर को पिस्टिल कहते हैं या इसी को कार्पल कहते हैं एक बच्चा पिस्टिल और कार्पल पूछ रहा है इसके तीन पार्ट हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओवरी के अंदर प्लेसेंटा होता है उस पर ओव्यूल लगा रहता है क्लियर है बेटा वीट भी आएगा मोनोकार्पलरी में पर अभी बात नहीं करेंगे उसके दूसरा आ जाओ सर बाई कार्पलरी क्या होगा सर बाई कार्पलरी। बाई बाईकार्पलरी का मतलब दो कार्पल अब जरा मुझे देख के बताना सारे बच्चे तुम्हें यह चीज समझ में आ रही है मुझे इनमें अंतर बता देना इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है यहां पर क्या है फ्यूज फ्री कार्पल है फ्री कार्पल को क्या बोलोगे एपोकार्पस क्या वर्ड है एपोकार्पस फ्री कार्पल के लिए क्या वर्ड है एपोकार्पस और यहां पर अपने पास क्या है फ्यूज कार्पल है कैसा कार्पल है फ्यूज उसके लिए वर्ड है सिन कार्पस क्लियर है सिन कार्पस सिंबल कैसे लिखोगे इधर देख बेटा ऐसे जी लिखेंगे और दो लिखेंगे यहां जी लिखेंगे दो लिखेंगे ब्रैकेट ब्रैकेट क्या बताएगा वो फ्यूज है ब्रैकेट क्या बताएगा फ्यूज है बेटा पिस्टिल और कार्पल एक ही लिखते हैं एनसीआरटी के अकॉर्डिंग कुछ कोचिंग्स में कुछ पुस्तक में ये अलग अलग बताया जाता है पर याद रखो यही कार्पल है यही पिस्टिल है अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां दो कार्पल है दोनों फ्री है यहां दो कार्पल है दोनों फ्यूज है क्लियर है जल्दी बताओ हम आ गए बेटा कहीं नहीं गए इधर दो ध्यान दो अरे इधर ध्यान दो ना भाई इसका एग्जाम्पल याद कर लो रोलो रोज लोटस ऑल दो कुछ जगह ये मल्टी कार्पलरी पोकार्पस में लिखवाते हैं पर तुम यही याद करो ये फैमिली है रोज की फैमिली रोजेस रोलो रोलो याद कर लो रोलो रोज और लोटस इसका एग्जाम्पल है दो फैमिली है टोमेटो और मस्टर्ड मुझे बता भाई क्या आएगा इसका टोमेटो और मस्टर्ड की वजह से क्या आएगा बता भाई जल्दी से टोमेटो का मतलब कौन सी फैमिली जल्दी बता सोलेसियाई और मस्टर्ड का मतलब ब्रासिकेसियाई तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोलेनेसी और सोलेनेसी और ब्रासिकेसियाई में सोलनेसी और ब्रासिकेश में क्या है ठीक है चलो आ जाओ तो तुम्हें तीन फैमिली का पता चल गया हां सर तीन का तो पता चल गया बाकी का बताओ अभी बता रहा हूं बाकी का भी कहानी सुना रहा हूं तुम्हें जल्दी आ जाओ जल्दी फास्ट बहुत सारे क्वेश्चन करने अपने को इधर देख बेटा इधर देख इधर देख अगर मेरे पास तीन कार्पल है इधर ध्यान दे तीन कार्पल है इसका एपो का कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा तीन कार्पल है और ये कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है मुझे देख के बताइयो ये तीनों फ्यूज है तीनों फ्यूज है यस सर yes, तो ऑलरेडी जी थ्री ब्रैकेट ऐसे आएगा और ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा लिलिय तो लिलियई क्या होता है बताओ ट्राई कार्पलरी सिंह कार्पस क्या इसका एपो कार्पस का भी पढ़ना है नहीं पढ़ना सर कोई एपोकार्पस का एग्जाम्पल कर दो नहीं बताना तो तुम्हारे सिलेबस में मुझे एक चीज बताओ अगर मोनो है तो वो फ्री और फ्यूज होगा यस और नो यस और नो अरे सिंगल वाला फ्री और फ्यूज कैसे हो सकता हो ही नहीं सकता तो मोनोकार्पलरी में क्या आ गया फेबेसिय? उसके अलावा मैंगो कोकोनट याद कर लेना ठीक है बाई कार्पलरी का मतलब दो कार्पल वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं तो हम कैसे लिखेंगे बाई कार्पलरी, सिन, सिन कार्पस का मतलब फ्यूज तो फ्यूज में मेरे पास आएगा टोमेटो और मस्टर्ड और यहां पर क्लियर है सही है अरे सही है हा ना बताओ पहली स्लाइड पहले नोट करो इसको जल्दी से नोट करो क्वेश्चन कराऊंगा ये वाला लिख लिया सबने ठीक है डन है, अगला पेज लिख लो चलो जल्दी करो यार पेन चलाओ तेज-तेज, लिख लिस, यस ये लिख लिया ये लिख लिया जल्दी हाथ चलाओ बेटा हाँ आज सवा तीन तक पढ़ेंगे क्यों सर मेरा मन कर रहा है लिख लिया रोज और लोटस बेटा मेरी बात सुन कुछ बुक्स में ये मल्टी कार्पलरी में लिखा हुआ है, रोज लोटस यहां मैं बाई कार्पलरी परेशान मत हो ना क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हें जब भी क्वेश्चन आएगा एपोकार्पस पूछेगा एपोकार्पस केस में होता है रोज और लोटस में और अगर तुम्हें मैं एक चीज बता दूं रोजेसिया ही फैमिली में रोज लोटस के अलावा दो मेंबर और आते हैं कौन से दो मेंबर हैं दो मेंबर और बताओ प्लम और पीच वो भी एपोकार्पस होंगे रोसेसीए में रोज प्लम पीच एलमंड एप्रिकॉट ये भी आते हैं जितनी महंगी चीजें हैं वो सब रोसेसीए में आती हैं रोज प्लम पीच लोटस एलमंड एप्रिकॉट वॉलनट ठीक है हां महंगी वाली चीजें और ओवरी कैसी होती है हाफ हो, इन्फीरियर ओवरी कैसी होती है हाफ इंफीरियर हा रोज की फैमिली महंगी फैमिली हाफ इंफीरियर होती है ठीक है आ जाओ तीन कार्पल में ट्राई कार्पलरी सिंकार्पस ट्राई कार्पलरी सिंह कार्पस तीनों कार्पल आपस में फ्यूज है मल्टी कार्पलरी ये क्लास ट्वेल्थ में दे रखा है मल्टी कार्पलरी जो है वो क्लास ट्वेल्थ में दे रखा है मल्टी कार्पलरी का मतलब मैनी कार्पल इसमें दो ऑप्शन है एक है एपोकार्पस एग्जाम्पल माइकीलिया और सिनकार्पस का एग्जाम्पल है एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइकीलिया और सिन कार्पस का एग्जाम्पल है पेपेवर ये कहां दे रखा है क्लास ट्वेल्थ में क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर सेकंड में दे रखा है एनसीआरटी में यह भी हमें याद कर लेना है और इसमें कई बार डाउट होता है तो एएम याद रखो ए एम ए एम मतलब एपो कार्पस का माइकीलिया है ठीक है सेकंड चैप्टर में दे रखा है बेटा क्लास ट्वेल्थ में यस और नो Yes or no ठीक है ठीक है सही है तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे अब फ्यू एग्जांपल्स देखें कौन बच्चा करेगा कौन बच्चा सही करेगा बताएं मोनोकार्पलरी बताएं बाईकार्प्लरी बताएं एपोकार्पस बताएं सिनकार्पस कार्पस बताएं, सिन बताएं। चलिए स्टार्ट हो जाइए मोनोकार्पलरी में फेबिसटरि ब्रासी केस यही है ट्यूलिप ले लिए सी है। ये फेबेसी है माइकेलिया माइकेलिया मल्टी है रोज प्लम ये है पेपेवर नहीं पेपेवर नहीं पैपेवर नहीं।, मोनो नहीं है सिर्फ एक आएगा बाई कार्पलरी में क्या आएगा ब्रासी के सीए प्लस और क्या लोगे सोलेनेसी ले लो ठीक है सही है मैं यहां लिख देता हूं बाई कार्पलरी सिन कार्पस सिन कार्पस भी चाहिए अपने को तो केसी और ब्रासिकेश क्या है बाई कार्पलरी कार्पस है तो केसी के कितने हैं भाई दो है एक है ब्रासिकेश और सोलेनेसी एरी तो दो आ जाएगा नहीं चार इसलिए नहीं ले रहे कि रोज प्लम को नहीं ले रहे अपने सिन कार्पस ले रहे सिन कार्पस ले रहे हैं ना साथ में एपो कार्पस नहीं ले रहे ठीक है हाँ, दो ले लेते हैं अब आ जाते हैं एपोकार्पस एपोकार्पस में कौन कौन आएगा ये एपोकार्पस है यस सर ये एपोकार्पस है यस सर एपोकार्पस है यस सर अच्छा है ना है यस सर तो ये तो सिंकार्पस है ठीक है तो अपने पास एपोकार्पस के कितने एग्जाम्पल आ जाएंगे तीन सिनकार्पस में कौन कौन आ जाएगा ब्रासिकसिया सोलेनेसी लिलियसी उसके अलावा पेपेवर यही आएगा कि नहीं आएगा भाई ये ट्राई कार्पुल्पस है ये बाई कार्पुल्पस है तो लिलियेसी अपने पास कितनी हो गई दो सोलेनेसी एक ये एक और ये टोटल आ गए एक ये था पांच सिंह कार्पस का मतलब होता है फ्यूज तो पेपेवर फ्यूज है ट्राई कार्पुल्पस ये है बना लोगे क्वेश्चन क्वेश्चन बना लोगे यस और नो मोनोकार्पलरी में क्या याद करेंगे फेबेसियाई हाँ बाई कार्पलरी मोनोकार मोनो बेटा मोनोकार्पस नहीं होता मोनोकार्पलरी होता है मोनोकार्पलरी में ही चाहिए मैंगो और कोकोनट बाई कर कार्पलरी सिन में क्या आएगा सर बाई कार्पलरी का मतलब दो कार्पल और फ्यूज वाला तो ब्रासी कैसी और सोलेनेसी रॉन्ग कैसे है दो आएगा एपोकार्पस का मतलब फ्री। तो उसमें तो एक रोज की फैमिली आएगी दूसरा माइकिल आएगा तो रोज की फैमिली के कौन से दे रखे हैं? रोज और प्लम और साथ में लिया। इसलिए तीन हो गया सिंह कार्पस का मतलब मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि बाई ए ट्राई है। सिर्फ फ्यूज पूछा है मैंने सही है अरे एम का क्या मतलब है कई बार मेरी बात सुन पेपर पे जब मैं बैठा होता हूं ना ऐसे तो मुझे कई बार याद नहीं आता कि उस रस्ट है, कि है तो हमने याद किया हुआ यूएस यूएस मतलब उस क्या है स्मट है ऐसे ही मुझे याद नहीं आता कि एपोकार्पस का माइकिलिया है कि पेपेवर है एक, एक एक एग्जाम्पल है ना इसलिए याद रखियो वहां पर ए एम एम का मतलब एपोकार्पस माइकीलिया है हा डी समझ नहीं आया सिन कार्पस का क्या मतलब होता है फ्यूज क्या ये फ्यूज है यस सर तो लिलेसी लेंगे यस सर ले लेंगे ब्रासिकेसी और सोलनेसी ये भी फ्यूज है यस सर उसके अलावा पेपे भर लेंगे क्लियर है रोज और लोटस भी लेंगे नहीं नहीं लेंगे एपो कार्पस का मतलब है फ्री एपोकार्पस का मतलब है फ्री कौन कौन आएगा रोज लोटस और कौन आएगा पेपेवर अच्छा उल्टा लिख दिया क्या ओहो पाइकीलिया आएगा अच्छा चल कोई नहीं नंबर तो वही आ रहा है हाँ यहाँ माइकिलिया आएगा एपोकार्पस में और सिंकार्पस में अपने पास आएगा वाई सिन, एपो सिन सिंह गया अच्छा सही तो लिखा है यहाँ प्रूव तो मार्क का नहीं, नहीं सही तो लिखा था यार यहाँ पे पेवर आएगा और सिन कार्पस में क्या आएगा रो, रोज प्लम और माई के लिए ये तीन सही तो है तुम कंफ्यूज कर रहे हो अब कदे हाँ चलो आगे चलेंगे टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ आओ भाई अगला टॉपिक देख लेते हैं प्लेसेंटेशन बता रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जल्दी चलो बेटा प्लेसेंटेशन बता रहे हैं। एपोकार्पस मींस फ्री एपोकार्पस का एग्जाम्पल माइकेलिया, लिए आ जाएगा सुन ध्यान से तुझे यहां पर ये पिस्टिल दिख रहा है पिस्टिल और कार्पल दिख रहा है सर ये ओवरी दिख रही है हां सर ओवरी दिख रही है इस पर ये क्या है प्लेसेंटा है अब इस पर ये ओव्यूल अटैच है क्या अटैच है ओव्यूल अटैच है ठीक है क्या अटैच है ओव्यूल अटैच है तो प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि ये प्लेसेंटा पर ओव्यूल कैसे लगा हुआ है तो हाउ ओव्यूल इज अरेंज ऑन प्लेसेंटा ठीक है इसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं अब मेरी बात सुनना ध्यान से मैं क्या कर सकता हूं मैं इस अरेंजमेंट को देखने से ठीक है दूसरी चीज मैं यह भी कह सकता हूं कि किसमें डेवलप करती है ओवरी डेवलप करती है फ्रूट में ओवरी किसमें डेवलप करती है फ्रूट में तो हमें क्या होगा और सीड डेवलप ओव्यूल किसमें डेवलप करता है ओव्यूल डेवलप करता है इनटू सीड तो फ्रूट के अंदर जो अरेंजमेंट सीड की होगी ना वो भी दिखाती है कि प्लेसेंटा पे कैसे अटैच था मेरी बात समझ ध्यान से मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो ये ओव्यूल है ना ये किस तरीके से इस प्लेसेंटा पे लगा हुआ इसे प्लेसेंटेशन कहते हैं यही ओवरी बाद में फ्रूट बना देती है तो ये ओव्यूल क्या बना देगा ये ओव्यूल बना देगा सीड ये ओव्यूल क्या बना देगा सीड बना देगा तो हम यहां पर यह कह रहे हैं कि यह जो ओवरी है इसके अंदर यह प्लेसेंटा है यह क्या है प्लेसेंटा तो ओव्यूल अटैच हो रहा है इसके ऊपर सही है ये ओव्यूल अटैच है प्लेसेंटा पर यस और नो तो हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओव्यूल प्लेसेंटा पे अटैच है ओवरी के अंदर उसी तरीके से फ्रूट के अंदर आपको प्लेसेंटा पर सीड अटैच दिखता है मेरी बात समझ में आई यस और नो मेरी बात समझ में आई मैंने बोला कि जिस तरीके से ओवरी के अंदर प्लेसेंटा पर अटैच होता है वैसे ही सीड फ्रूट के अंदर अटैच होता है तो कई फ्रूट्स को काटकर हमें पता चल जाता है कि उसमें प्लेसेंटेशन कैसे था क्लियर अब हम क्या करते हैं बेटा मेरी बात समझो ध्यान से अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस ओवरी को ऐसे काट रहा हूं और ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे प्लेसेंटे प्लेसेंटा ऐसे नहीं दिखेगा मुझे प्लेसेंटेशन ऊपर से देख रहा हूं तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे बताना वहां से काट कर मैं ऐसे देखूं, ऐसा दिखेगा यस और नो नहीं क्यों जब तू यहां काटे से काटेगा और ऊपर से देखेगा तो इसके नीचे वाला छुप जाएगा ना भाई इसके नीचे ये वाला छुप जाएगा इसके नीचे ये तो एक ही तो दिखेगा ऊपर से हा या ना जल्दी बोलो समझ में आ रहा है तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि कुछ डायग्राम प्लेसेंटेशन के ऐसे हैं क्लियर है तो हमारे पास कितनी टाइप होती है टाइप हमारे पास कौन कौन सी है सबसे पहली टाइप है मार्जिनल जो आपको किसमें मिलती है एग्जाम्पल है पी मटर हाँ भाई पी का एग्जाम्पल है इसमें एग्जाम्पल में पी है पी का मतलब कौन सी फैमिली हो गई फेवेसिय उसके बाद में आपको बताऊंगा एग्जाइल क्या होता है ठीक है उसका एग्जाम्पल लिखवाऊंगा तीसरा आपको बताऊंगा फ्री सेंट्रल क्या होता है उसका एग्जाम्पल बताऊंगा फोर्थ आपको बताऊंगा मैं पेराइटल क्या होता है और फिफ्थ आपको बताऊंगा बेसल ये पांच टाइप के प्लेसेंटेशन है पहले नाम याद करो मार्जिनल एक्साइल फ्री सेंट्रल पेराइटल और बेसल जरा एक एक चीज को समझते हैं पहले पहले समझेंगे फिर आप लिखोगे देखो मार्जिनल कैसा होता है मैंने क्या किया है जानबूझ के ये टी का कट यहां लगा दिया ताकि आपको ये डेफिनेशन ऐसी की ऐसी याद करनी है क्योंकि इस टॉपिक से डेफिनेशन आती है देखो क्या कहता है मेरी बात सुनो ध्यान से मार्जिनल आपका इस तरीके से दिखेगा ये ऐसा तो ये मटर में होता है अरे मार्जिनल मटर में होता है पहले अब मेरी बात सुनो ध्यान से सुन लो ध्यान से मार्जिनल डायरेक्ट पूछेगा मटर में होता है पहले सुन लो ध्यान से ध्यान सुनो मेरी तरफ देखेंगे सारे पी में होता है मेरी बात सुनो मटर छीलिए कभी किसी ने ऐसे दो हिस्से होते हैं इधर देख ध्यान तो, मेरी तरफ देख पी में ऐसे दो पार्ट होते हैं दो हिस्से ऐसे

वहां पर एक मोटा सा एरिया होता है ब्रिज कहते हैं तो आप समझो ध्यान से मटर जब जब ऐसे खुलता है पी ऐसे खुलता है तो एक लाइन यहां है खुलने के लिए और एक नीचे ऊपर वाली लाइन को कहते हैं वेंट्रल सुचर नीचे वाली लाइन को कहते हैं डोर्सल सुचर आ रही समझ ऊपर वाली लाइन को कहते हैं ऊपर वाली को क्या बोलते हैं जल्दी बोल ऊपर वाली को क्या बोलते हैं डोरसल नीचे वाली को वेंट्रल समझ में आ रहा है यस और नो अरे यस और नो जल्दी बता समझ में आ रहा है अब मेरी बात समझ तुम अगर जब मटर खोलते हो ना तो छिलके पे कुछ सीड इस पे चले जाते हैं कुछ इस पे चले जाते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि मटर जो पी है उसमें दो लाइनें हैं ऊपर है, है डोरसल नीचे वेंट्रल है वेंट्रल साइड पर एक मोटा सा रिज होता है रिज मतलब एक मोटा सा एरिया होता है उस पर प्लेसेंटेशन होता है तो ये देखो ये जुड़ा हुआ था ऐसे तो ये वेंट्रल है ये भी वेंट्रल है ये भी वेंट्रल है तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखता है लिखता है कि प्लेसेंटा फॉर्म सा रिज रिज मतलब एक मोटा सा एरिया बनाएगा कौन से सचर पे वेंट्रल सचर पे सही है और ओव्यूल क्या होगा? इस रिज पर बॉर्न होगा मतलब कह रहा है कि जैसे मान लो इस वेंट्रल साइड पर एक मोटा सा ऐसा एरिया बना इसको हम क्या बोल रहे हैं रिज बोल रहे हैं यहां पर प्लेसेंटा है इस पर ओव्यूल लगे वे हुए वेंट्रल साइट पर यस और नो भाई अगर आपने कभी मटर का छिलका ऐसे खोला हो तो कुछ सीड यहां चले जाते हैं कुछ यहां चले जाते हैं क्लियर है तो प्लेसेंटा क्या बना रहा है प्लेसेंटा क्या बना रहा है प्लेसेंटा एक रिज फॉर्म कर रहा है प्लेसेंटा फॉर्म आ रिज कौन से सचर पे वेंट्रल या डोरसल ऑन वेंट्रल सचर क्लियर है भाई ये वाली ये वाली साइड इससे जुड़ी हुई थी ये वाला वेंट्रल इससे जुड़ा हुआ था कुछ सीड यहां चले जाते हैं कुछ यहां पर जब तुम तो मटर खोलते हो ना कुछ इस छिलके पे कुछ इस छिलके पे चले जाते हैं यस सब सक... तो इसका एग्जाम्पल आएगा और डेफिनेशन आएगी तो इसका एग्जाम्पल क्या है पी पी का मतलब कौन सी फैमिली सर फेबेसियई कौन सी फैमिली फेबेसियई तो हमने यहां पर क्या बोला है हमने यहां पर क्या लिखा है हमने लिखा है कि प्लेसेंटा फॉर्म आर रिज तुम्हें ये याद करना है फॉर्मर रिज एट वेंट्रल सचर सर ये दो बार क्यों लिख रहे हो क्योंकि ये वो पैराग्राफ है जो तुम पांच बार लिखकर याद करोगे आगे आओ अब मैंने क्या किया ध्यान से सुन बेटा अब मैंने क्या किया इस तरीके का प्लेसेंटा कट कर लिया मतलब ओवरी को ऐसे गोला मैंने ये ओवरी थी ध्यान से इधर देख बेटा मेरे पास ये ओवरी थी ऐसे इसको मैंने काटकर ये डायग्राम दिखाया अब जरा ध्यान से देखियो हमारे पास इस तरीके से चैम्बर बन जाते हैं इसमें ये चैंबर बन गए ओवरी में ये क्या बन गए चैंबर इस चैम्बर को कहते हैं लॉक्यूल क्या बोलेंगे लॉक्यूल क्लियर है ध्यान से सुनो तो मेरे पास प्लेसेंटा यहां है ठीक है प्लेसेंटा यहां है यहां ये रहा ये रहा प्लेसेंटा तो इस पर मेरे पास यहां ओव्यूल जोड़े हुए हैं मान लो ऐसे इस तरीके से ऐसे तो इसमें क्या होगा प्लेसेंटा कहां है मेरी बात सुनो प्लेसेंटा कैसे होगा इसमें इधर देख मेरी तरफ बात मान ले तेरे पास ये ओवरी है प्लेसेंटा यहां सेंटर में होगा ऐसे तो जब मैं काटूंगा ऐसे इसको कट कर दूंगा जब मैं इसको इस तरीके से काटूंगा तो ये सेंटर में दिखेगा हां सर और इसमें चैम्बर बने हुए ओवरी में ऐसे क्या बने हुए चैम्बर बने हुए तो हम क्या लिखेंगे बेटा देख हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि प्लेसेंटा कैसा है एक्सियल प्लेसेंटा क्या है इज एक्सियल एक्सियल मतलब सेंटर है में एंड हमारे पास कैसी है बहुत सारे चैम्बर है मल्टीलॉक्यूलर ओवरी है कैसी ओवरी है मल्टीलॉक्यूलर तो इसकी डेफिनेशन पहचानने के लिए इसकी डेफिनेशन पहचानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है मेरी बात समझ में आ रही है क्या लिखना देखो कहाक्यूलर एक चैंबर चैंबर को कहते हैं लॉक्यूल तो ओवरी के अंदर चैंबर बने हुए अब इसका जो एग्जाम्पल है ना बेटा एग्जाम्पल वो है ले चिंतो ले चिंतो ले चिंतो क्या है बेटा ले से है लेमन लेमन तुम्हारे सिलेबस में दो जगह आया है एक पॉलीडल्फस और एक कहां पर आया है बता बेटा एक यहां आ गया और ये टोमेटो है अगर यहां टोमेटो दे रखा है तो फैमिली कौन सी लिखूंगा बता फैमिली कौन सी लिखूंगा रोजे उसके अलावा इसमें लिख नहीं रखा लिलिय में भी यही होता है मेरी बात समझ से अगर यहां पर चाइना रोज दे रखा है तो बाकी के दो एग्जाम्पल तुम बता सकते हो बाकी के दो एग्जाम्पल बता सकते हो चाइना रोज दे रखा है तो अरे बोल अगर चाइना रोज दे रखा है तो बाकी के दो एग्जाम्पल बता लेडी फिंगर और कॉटन लेडी फिंगर और कॉटन यस और नो क्योंकि अब अब मुझे बता चाइना रोज में कौन कौन सा होता है है, एक्टिनोमोर्फिक होता है, एक्टिनो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है मोनोडेल्फस होता है है ना यस है हा लेडी फिंगर कॉटन आएगा टोमेटो का मतलब रोजेसियाई लिलियसियाई में भी यही प्लेसेंटेशन मिलती है एक्साइल क्लियर है क्लियर यस और नो तो हम यहां पर क्या याद रखेंगे कैसे लाइन याद रखेंगे प्लेसेंटा क्या याद रखेंगे यहां आएगा ले लेमन चाइना रोज ले चिंतो चाइना रोज टोमेटो फैमिली में दो फैमिली सोलेना सियई और लिलिय दो फैमिली याद करनी है आपने और एक्स्ट्रा उसके अलावा इसमें क्या लिखोगे एक्सियल प्लेसेंटा और मल्टीलॉक्यूलर ओवरी क्लियर है फ्री सेंट्रल इधर देख बेटा फ्री सेंट्रल समझ या पहले पेराइटल समझ पेराइटल क्या होता है इधर देख मेरी तरफ देख, देख ये तूने बना दिया ओवरी ओवरी की ये इनर वॉल है ये इनर वॉल इनर वॉल पर प्लेसेंटा प्रेजेंट है ऐसे इनर वॉल पर इस तरीके से प्लेसेंटा प्रेजेंट है उस पर ओव्यूल लगे हुए हैं ऐसे ये रहा। तो सबसे पहले आप क्या समझोगे देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी ओव्यूल कहां डेवलप है ओव्यूल कहां डेवलप है ओव्यूल डेवलप होगा कहां पर ऑन इनर वॉल पे इनर वॉल ऑफ ओवरी यहां पर डेवलप होगा दूसरा इसमें क्या होगा बेटा ऐसे एक लाइन होगी ऐसे इसे कहेंगे फॉल्स सेप्टम देखो इधर देखो बेटा ये वाली लाइन प्लेसेंटा से आ रही है यह ट्रू सेप्टम है यह वाला ट्रू है सच्चा सच्चा सेप्टम है ट्रू सेप्टम है जो चैम्बर बना रहा है यहां पर क्या है हमारे पास फॉल्स सेप्टम है फॉल्स सेप्टम है जिसका नाम कुछ बुक में रोपलम लिखा रहता है ये नाम होता है इसका एग्जाम्पल है आर्जमू आर्जमू सर ये क्या होता है ध्यान से सुन आरजी और मस्टर्ड सर इसकी आरजीमोन की फैमिली पढ़नी है नहीं मस्टर्ड का मतलब कौन सी फैमिली बता बेटा मस्टर्ड का मतलब कौन सी फैमिली ब्रासिकसियई तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनर वॉल ऑफ ओवरी पे इनर वॉल पर ये ओव्यूल बना है और ये एक फॉल है जो इसे दो चैंबर में डिवाइड कर रहा है यस और नो यस और नो आर्जमूह याद करना है पेराइटल को व्हाट इज पेराइटल पेराइटल मतलब साइड में पेराइटल कैसे याद करोगे साइड में साइड में ठीक है so, रोजेसिया क्यों नहीं लिखा सर आपने कहा लिखा है रोजेसी अरे यहां रोजेसिया ही क्यों लिख दिया मैंने तुम बताते भी नहीं नलायकों सोलेनेसी लिखना है रोजेसी ही क्यों लिख दिया दुष्ट बच्चे हैं बिल्कुल इधर ध्यान दो बता क्यों नहीं रहे हो? बोला था बोला था सर आप सुन नहीं रहे थे अच्छा तो ठीक यार मुझे बता मैंने ही तो पढ़ाया तुझे जो मान ले वहां पर टोमेटो लिखा है वो रोजेसी की सोलनेसी मैंने ही तो पढ़ाया है बाई मिस्टेक लिख दिया बेटा मैंने हाँ अभी इधर देख फ्री सेंट्रल कैसा है फ्री सेंट्रल में यहां सेंटर में प्लेसेंटा है सेंटर में प्लेसेंटा है चैम्बर नहीं बनते ये ऐसे, चैम्बर तुमने टमाटर देखा है टमाटर काटने के बाद टमाटर भिंडी काटने के बाद ऐसा दिखता है क्या हाँ सर दिखता है तो टमाटर और भिंडी भिंडी में ऊपर से काटते हैं तो भिंडी इसकी इसके ग्रुप में ना चाइना रोज के में नींबू भी ऐसा दिखता है यस सर तो पर वो तो फ्रूट है तो मैंने यही बात बोली थी ना जैसी अरेंजमेंट ओवरी में होगी वैसी अरेंजमेंट फ्रूट में होगी टमाटर को काटकर इस तरीके का दिखता है यस सर भिंडी ऊपर से काटते हैं दिखता है यस सर नींबू काटते हैं ऐसा दिखता है यस सर चैंबर दिखते हैं हाँ। अब इसमें क्या याद रखना है इसमें याद रखना है ये सेंटर में तो ओव्यूल कहां लगेगा ओव्यूल बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस बीच में आ रहा है पर यहां पर अलग क्या है मोनो ऑव्यूलर है मोनो ऑव्यूलर ओवरी है एक मिनट देना यार मोनो ऑब्युलर ओवरी है अरे को मोनो ऑबुलर नहीं लिखनी मैंने लिखना है यूनिलॉक्यूलर ओवरी चैंबर नहीं है यूनिलॉक्यूलर ओवरी है हाँ। हा इसका एग्जाम्पल डिपरी है ये डिपरी क्या है सर ये मेरे को भी नहीं पता सर आपको नहीं पता क्या क्या मतलब है डिपरी दो अलग अलग एग्जाम्पल है तो सर हम साथ में क्यों याद कर रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे डायंथस और प्राइम अब जो बच्चे बेटा ईमानदारी से नेक्स्ट ईयर सिलेक्ट होना चाहते हो मेरी बातें सुने सिर्फ फ्लावर वाले में दो टॉपिक ऐसे हैं जिनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन इसीलिए मैंने यहां पर उसकी वो लगा दिया तो देख बेटा ओव्यूल्स कहा बॉर्न हो रहा है सेंट्रल एक्सिस रहा सेंट्रल एक्सिस ठीक है और इसमें क्या है सेप्टा नहीं है इस वजह से क्या बनेगा सिंगल चैंबर की ओवरी बनेगी डायंथस और प्राइम रोज आएगा क्या आएगा डायंथस और प्राइम रोज? इधर देख बेटा डिपरी क्यों साथ याद करना है क्योंकि अगर अलग अलग याद करेगा अलग अलग याद करेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा जब भी याद करना है फ्री सेंट्रल में डिप्री याद करना है तो उसमें एग्जाम्पल है प्री मतलब प्राइम रोज डी मतलब डायंथस और दोनों एग्जाम्पल अगर साथ याद नहीं आए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो इसीलिए अपने ने क्या करना है यह वाली चीज जो है फ्री सेंट्रल फ्री सेंट्रल में क्या एग्जाम्पल लिखना है डिपरी और पेराइटल में आर्जमू क्योंकि अगर एग्जाम्पल एक साथ याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और बेसल में मैं याद करूंगा सनफ्लावर तो किसका दूसरा एग्जाम्पल मुझे लगता है तुम खुद बना सकते हो सर मारी गोल्ड भी आएगा समझ में आया सर डिप्री क्यों याद कर रहे हैं डायंथस रोज क्यों नहीं याद कर रहे क्योंकि तुम्हें याद नहीं आएगा डिप्री से रहेगा डायंथस ये प्राइम रोज आर्जमू आर्जिमोन मस्टर्ड मस्टर्ड की फैमिली तुम्हें पता है और यहां पर तुम्हें टोमेटो की फैमिली पता है। इसमें लिली भी आ जाएगा चारों फैमिली हमने कर ली बेसल है सनफ्लावर और ये बेसल कैसा होता है ऐसा देख यहां नीचे प्लेसेंटा होता है यहां नीचे प्लेसेंटा होता है ये।, ये प्लेसेंटा है ये ओव्यूल है क्लियर है नीचे प्लेसेंटा होता है तो क्या होगा देखो क्या लिखेंगे प्लेसेंटा कहां डेवलप करेगा प्लेसेंटा डेवलप एट बेस बेस ऑफ ओवरी और उस पर क्या डेवलप करेगा सिंगल ओव्यूल अटैच है कितने ओव्यूल अटैच है सिंगल ये सिंगल ओव्यूल है यस सर एग्जांपल, हा भाई एग्जांपल सनफ्लावर और सनफ्लावर और मारी गोल्ड इसकी फैमिली याद है किसी को सनफ्लावर की हाँ सर याद है एस्ट्रा सीएस्ट्रासी ठीक है तो एक बार जरा चित्र बना देते हैं तुम्हारे लिए कौन सा चित्र बनाओगे सर ये डेफिनेशन भी याद करनी है हाँ सर सब बिना डेफिनेशन के चल जाएगा नहीं ये इस टॉपिक में आएगा सबसे पहले मार्जिनल बता एग्जाम्पल जल्दी बता बेटा मार्जिनल एग्जाम्पल बता फ्री सेंट्रल एग्जाइल बेसल या एग्जाइल पेराइटल और बेसल ई लेमन चाइना रोज टोमेटो उसके अलावा सोलेना सियाई और लिलिय सीए आर्ज मुंह आर्ज मुंह मुंह मतलब मस्टर्ड मस्टर्ड मतलब राशि के सियाई बेसल सनफ्लावर उसका भाई मारी गोल्ड अच्छा भाई बहुत बढ़िया मेन पॉइंट्स वेंट्रल सचर पर प्लेसेंटा फ्री सेंट्रल डिप्री डिप्री में क्या है डायंथस प्राइम रोज मेन पॉइंट यूनिलॉक्युलर ओवरी सिंगल चैम्बर है ये मेन पॉइंट है और सेंट्रल एक्सिस पर प्लेसेंटा है आगे सर सोलेनेसी इसका एक्साइल का क्या है मल्टीलॉक्यूलर ओवरी ये वो पॉइंट है जो तुझे याद करना है मल्टीलॉक्यूलर ओवरी एक से ज्यादा चैम्बर है एक्साइल प्लेसेंटा एक्सियल प्लेसेंटा सेंटर में है यहां भी सेंटर में पर यहां यूनिलॉक्युलर है यहां जा पेराइटल क्या होगा इनर वॉल पर प्लेसेंटा है, और कैसे याद करेगा फॉल सेप्टम है ये वाली बात पूछेगा बेसल बेसल है प्लेसेंटा बेसल प्लेसेंटा ठीक है याद होना चाहिए अरे वो तो गए खत्म एग्जाम्पल जल्दी करो याद होना चाहिए कि नहीं ये बताओ ये बता दो जल्दी ये वाला लिख लिया सबने स्लाइड चेक करते हैं कौन कौन सी लिखनी है लिखने तो हाथ दे रहा हूं बेटा स्लाइड लिखने के लिए ही दे रहा हूं आपको एक करके ये लिख लिया आगे चलो ये लिख लो ये बना लो लिख ले बेटा लिख लिया बैक दिखा देता हूं जल्दी फास्ट जल्दी ठीक है डन है ना बेटा लिख लिया होगा ये वाला लिख लिया सबने ये बताओ ये लिख लो ये लाइनें याद रखना यहीं से डेफिनेशन के क्वेश्चन आएंगे ये वाला लिखा यस सर डन है Yes, ठीक है ये वाला ये वाला और लिख लो फिर आगे चलते हैं ये तो लिख लिया होगा तुमने ये और लिख लो फिर आगे चलते हैं ये वाला लिख लो बेटा फॉल सेप्टम का क्या मतलब होता है देख मेरी बात सुन अगर कोई सेप्टम यहां देखिए ये, ये समझ यहां से जैसे ये प्लेसेंटा होता है इसे कहते हैं ट्रू सेप्टम ट्रू सेप्टम क्या होता है प्लेसेंटा से लगकर ऐसे दीवारों पे आता है सेप्टम क्या होता है वो बाद में बनता है बाद में मतलब जब ओवरी पूरी डेवलप कर जाती है तो इसको चैम्बर में डिवाइड करने के लिए तुझे याद रखना पेराइटल में फॉल सेप्टम की बात करी है उसने दूसरा उसने कहा है कि साइड से आता व्ही साइड से साइड को कहते हैं पेरीफेरी पेरीफेरी मतलब साइड से है ना देख ओवरी और पेरीफे देखना इनर वॉल और पेरीफेरल पार्ट ये लिखा हुआ पैरीफेरी मतलब साइड पेरीफेरी मतलब साइड बेसल का क्या मतलब होता है कि प्लेसेंटा बेसल बेसल मतलब नीचे प्लेसेंटा नीचे उससे सिंगल ओव्यू आ रहा है तो प्लेसेंटा बेस ऑफ ओवरी पर उससे सिंगल ओव्यूल आ रहा है तुम्हें शायद पता नहीं है ये पूरी बायो का सबसे मुश्किल चैप्टर हुआ करता था आज भी टीचर्स को अगर मैं बोलता हूं कि इंटरव्यू दो मुझे डिस्कस करना है आपसे बॉटनी कोई नए टीचर आते हैं तो वो ही बोलते हैं बो, मॉर्फोलॉजी छोड़ के बाकी आप पूछ लो हाँ सच बता रहा हूं मैं आपको ये चीज तो आपको शायद नहीं पता ये वो कहते हैं मॉर्फोलॉजी छोड़ के बाकी पूछ लो क्योंकि उनको पता नहीं है मॉर्फोलॉजी कैसे याद की जाती है ठीक है तो हम मॉर्फो नहीं पूछते उनसे क्योंकि उन्हें याद नहीं होती हाँ और लास्ट प्लेटफॉर्म पे जितने भी सब लोग थे उनको भी मॉर्फोलॉजी याद नहीं थी उस वक्त जब मैंने इंटरव्यू लिए थे ठीक है कोई नहीं सही है आ जाओ वॉलट रोजे बेटा रोजेसी तुम तो एक काम करना तुम्हें जितनी मोरफो अभी तक आई है एक बार क्वेश्चन पलट के देखना तुमने कोई टेस्ट कभी लास्ट ईयर दिए हो या लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर देखना एक बार मेरे कहने से ठीक हाँ। है चलो ये वाला लिख लो एक बार क्वेश्चन करते हैं करें क्वेश्चन क्वेश्चन करना इसका एक 2019 तुम्हें आता है ये आ गया होगा डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी मैंने कहा था डेफिनेशन याद कर लेना सी मैंने कहा इस पार्ट की डेफिनेशन आएगी नेक्स्ट 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 ये कर लोगे फ्री सेंट्रल कैसे याद कराया था सर सर फ्री सेंट्रल था डिपरी अच्छा ब्रासिका की फैमिली कौन सी होगी आर्जमू तो ये कौन सी थी सर ये पेराइटल थी तुमको बाकियों का भी तो पता होना चाहिए सिट्रस क्या एक्साइल है आर्जिमोन क्या है पेराइटल है आर्जमू है ना तो ये आ गया सी तुम्हें लग रहा है कोई दिक्कत हो रही है? कितने सेकंड लगेंगे सर कोई सेकंड नहीं लगेगा उड़ा दें क्वेश्चन तुरंत ये वाला भी तुम कर लोगे मुझे ऐसा लग रहा ये वाला भी कर लोगे ये वाला ट्राई कार्पलरी कारपास कार्पलरी इन कार्पस ठीक है लिलियसी सोलनेसी फेबेसी और पोएसी ट्राई इन कार्पस लिलियसी साबस पोएसी किसकी फैमिली वीट की फैमिली और ये मोनोकार्पलरी होती है मोनोकार्पलरी में चाहो तो इसका एग्जाम्पल लिख लो जहां मोनोकार्पलरी सिंगल ओव्यूल था ना वहां गेहूं का लिख लिख, लिख सकते, हो। ये कर सकते हो हर साल आता है क्वेश्चन हर साल प्लेसेंटेशन तो लगभग हर साल आता था जब चार क्वेश्चन होते थे एक्साइल प्लेसेंटेशन एक्साइल presentation जल्दी एक्साइल ले चिंतो लेमन चाइना रोज टोमेटो हां भाई ये ले ले बाकी तुम्हें पता है ना ये मार्जिनल है डायंथस क्या है डिप्री फ्रीजेंट्रल आर्जीमोन पेराइटल तुम्हें बाकी भी पता होने चाहिए यस सर ठीक है जल्दी जल्दी नेक्स्ट 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 फ्री सेंट्रल ये भी कर सकते हैं तो कर चुके हो फ्री सेंट्रल किस में होगा आरजीमोन सिस्टर डायंथर्स फर्स्ट आ जाएगा ये वाला मेरे को लग रहा है तुम खुद से कर पाओगे आप पहचान पा रहे हो किसका फ्लोरल फुर, फॉर्मूला अगर तुमने थोड़ा भी डिटेल ध्यान से पढ़ी है ये फॉर्मूला पहचान पा रहे हो सबसे पहले ये एक्टिनोम का सिंबल है इसका मतलब ये फेबेसिया ही नहीं हो सकता फेबेसी मतलब सिस्बानिया नहीं हो सकता ट्राई कार्पल सि में ये नहीं हो सकता अब ये देखो ऊपर से लाइन है एपीपेटल है ये एपी एपीपेटल है एपी किस किसमें होता है भाई ए तुम बिना फॉर्मूला याद करे तुम क्वेश्चन कर पा रहे हो और खुद देखो मैंने बाईकार सिंह कार्पस में लिखवाया सोलेनेसी. यस 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 तो ऐसा नहीं है बेटा मॉर्फोलॉजी कभी मुश्किल आई भी है आपके लिए कभी नहीं पेरी कर लोगे मुझे लग रहा है ये ट्राई करना चाहोगे क्या चाइना रोज हाइपोगाइनस होता है ये तो पता है मुझे इम्रिकेट नहीं होता हाइपोगाइनस होता है ट्विस्टेड ये तो ठीक है एपिगाइनस नहीं होता एपिगाइनस नहीं होता अब तो कर लोगे अब कर लोगे नहीं कर लोगे ठीक है सही है तो पीवाई क्यों हो गए तुम्हारे आज इतना ही पढ़ेंगे अपने और एमडी सर तुमसे मिलना चाह रहे हैं सर नई शर्ट पहन के आया और नहीं दिखा नहीं रहे हैं मुझे पुरानी शर्ट है नहीं नहीं मुझे दिखा <laughs> रहे हैं <laughs> एक बार बात करना चाहेंगे आ, मैं एक बात मैं रिपीट भी कर देता हूँ बेटा मेरी बात सुनो देखो अपने नए वाले बैच में अपने नहीं पढ़ा रहे हैं तुम्हारे बैच में पूरा ध्यान है टेंशन मतलब पूरी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ ठीक है और जो भी PNS, है, मैंने बता दिया अपने दो अक्टूबर का भी अपना पास ऑफ है ये सारे में कवर करके देंगे डिले नहीं आप मैच कर लेना इंडिया के सारे जितने भी चल रहे हैं ना और सबसे पहले और सबसे आगे और सबसे बेहतरी नहीं कराया तो आप मुझे बताना ठीक है चाहे वो कुछ भी हो कंटेंट हो टाइमली डिलीवरी हो सबसे पहले कोर्स खत्म कराएंगे एनसीआरटी लाइन टू लाइन देंगे प्रॉपर पीएनएस भी देंगे आपको और आपका डीपीपी सोल्यूशन कंटिन्यू आपको मिली रहा है इनके सोल्यूशन भी आपको टाइमली मिल जाएंगे ठीक है तो आप आप सिर्फ पढ़ाई करो ठीक है टीम डेडिकेट बीच में कुछ अप एंड डाउन आते हैं मानता हूं मेरे फ्रैक्चर हो गया ठीक है मैं खड़ा नहीं हो पाया बट क्लासें मुझे लेनी थी ठीक है अब रिमेनिंग टाइम जो रिमेनिंग बचा हुआ है धीरे धीरे हम उसको कवर कर लेंगे ठीक है क्लियर बिल्कुल पर आपके कोर्स को पीछे नहीं होने दिया ना होने देंगे टाइमली खत्म करेंगे और खतरनाक प्रैक्टिस भी तो करानी है सर अभी ठीक है सर ने स्टार्ट कर दी ठीक है क्लास में टेस्ट की सीरीज हम भी स्टार्ट करेंगे ठीक ठीक है है अब मिलके पूरी टीम ही स्टार्ट करेगी खतरनाक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टेंशन मत करो ठीक है ठीक है बेटा आज का डोपा आपको दे रहे हैं इसके आगे जो होगा सीड और फ्रूट कल पढ़ेंगे हो सकता है कल वाला सेशन मैं रिकॉर्डेड दूं आपको क्योंकि सीड फ्रूट मुझे रिकॉर्डेड ही कराना था आपको ठीक है शायद रिकॉर्डेड दूं बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि मुझे हो सकता है दो घंटे से क्लास लेना बने नहीं कल थोड़ा सा मुझे आज गड़बड़ लग रही है अपने साथ ठीक है तो कर सकते हैं है ना एमबीक्यू बेटा कल कराते हैं ठीक है बाय ध्यान रखो अपना बाय